सर्वत्र शुक्ल पुष्पाणि प्रस्ताने सदार्चने दान काले च सर्वत्र मंत्र मेत मुदीरियत, अर्थात सभी महीनों के तृतीया में सफेद पुष्प से किया गया पूजन प्रशंसनीय माना गया है। ऐसी भी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर अपने अच्छे आचरण और सद्गुणों से दूसरों का आशीर्वाद लेना अक्षय रहता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। इस दिन किया गया आचरण और सत्कर्म अक्षय रहता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की युगादि तिथियों में गणना होती है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ है। भगवान विष्णु के नर नारायण है ग्रीव और परशुराम जी का अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ था। इस दिन श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है और श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए जाते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्री नारायण के कपाट भी इसी तिथि से पुनः खुलते हैं। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर भी केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा वे पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। जीएम हिंगे के अनुसार तृतीया 41 घटी 21 पल होती है तथा धर्म सिंधु एवं निर्णय सिंधु ग्रंथ के अनुसार अक्षय तृतीया 6 घंटे से अधिक होनी चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार इस तृतीया को अपराहन व्यापिनी मानना चाहिए। इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से प्रारंभ किए गए कार्य अथवा इस दिन किए गए दान कभी भी क्षय नहीं होते। मदन रत्न के अनुसार अस्याम तिथो क्षयमुरपति हुतम न दत्तम तेनाक्षयति कथिता मुनिभिस्तृतीया उद्दिश्य देवत पितरन क्रियते मनुष्य है तत्चाक्षयम भवति भारत सर्वमेव। अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्य करने का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन कम से कम एक गरीब को अपने घर बुलाकर सत्कार पूर्वक उसे भोजन अवश्य कराना चाहिए। गृहस्थ लोगों के लिए ऐसा करना जरूरी बताया गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से उनके घर में धन धान्य से अक्षय बढ़ोतरी होती है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर हमें धार्मिक कार्यों के लिए अपने कमाई का कुछ हिस्सा दान करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी धन संपदा में कई गुना वृद्धि होती है। तो ये थी कथा अक्षय तृतीया की। आपको इसके बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।